गर्मियों में हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाना महंगा पड़ सकता है। एयरलाइंस समर डेस्टिनेशन पर मनमाने किराए वसूल रही हैं और ये तब जब सरकार ने किरायों को लेकर एयरलाइंस को जवाब तलब किया है। सरकार की एयरलाइंस को किरायों पर लगाम लगाने की सलाह के बावजूद अधिकतर समर डेस्टिनेशन पर हवाई किराए आम दिनों के मुकाबले 20 से 30 फीसदी ज्यादा हैं। अगर आप दिल्ली से 15 दिन बाद श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपको 6,800 रुपए देने होंगे। मुंबई से श्रीनगर का टिकट लगभग 10,000 में मिल रहा है। दिल्ली से लेह का किराया भी 10,000 है, वहीं मुंबई से लेह लगभग 11,500 रुपए में। नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान भी आपके लिए आम दिनों के मुकाबले महंगा पड़ेगा। दिल्ली से बागडोगरा का 15 दिन के बाद का टिकट 7,000 का है, जबकि मुंबई से यही 8,200 का। ये तब जब आप दो हफ्ते पहले बुकिंग करा रहे हैं। अगर आपको इमरजेंसी में प्लान बनाना पड़े तो इसके लिए 50 फीसदी तक और कीमत चुकानी पड़ सकती है। सैलानियों के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी इससे नाखुश है और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इस बारे में सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। हर साल जब भी वेकेशन होती हैं तो किराए जो है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में हमारी जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, उसकी तरफ से भी हमने मिनिस्ट्री में लिखा है कि जिस तरीके से आप किराया आपने फिक्स करा हुआ है एक टैक्सी ड्राइवर का एयरपोर्ट से होटल ले जाने का, तो उसी तरीके से आपको जो अपर लिमिट है एयरफेयर की वो फिक्स करनी पड़ेगी। टूर ऑपरेटर्स की एसोसिएशन IATO का मानना है कि अगर मनमाने किरायों पर रोक लग जाए तो भारत में पर्यटन 25 फीसदी तक बढ़ सकता है। हालांकि एयरलाइंस मनमाने किराए के आरोपों से अब भी इनकार कर रही है। उनका कहना है कि अगर किराए बढ़े हैं तो ये ज्यादा डिमांड की वजह से है और हर टूरिस्ट सीजन में ऐसा होता आया है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने भी एयरलाइंस की मनमानी पर चिंता जताई थी, जिसके बाद DGCA ने एयरलाइंस को तलब किया था। सरकार की प्रस्तावित सिविल एविएशन पॉलिसी में स्थानीय रूट्स पर प्रति घंटे के हवाई किराए को 2500 रुपए तक सीमित करने की बात है, लेकिन ये पॉलिसी कब आएगी इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। रोहन सिंह, दिल्ली।